पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बावजूद 15 अगस्त तक नियुक्ति नहीं दी गई है। अब पटवारी चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि उन्हें 31 अगस्त तक नियुक्ति नहीं दी जाती तो वह भोपाल में 3 सितंबर को महाआंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को आया था और उन्हें नियुक्ति 15 अगस्त तक देनी थी। दस्तावेज चेकिंग आदि के लिए 17 अगस्त नियत की गई थी। इस बीच कुछ परीक्षार्थियों के बारे में संदेह होने पर यह प्रक्रिया रोक दी गई, जिससे प्रदेश भर के करीब 8600 चयनित पटवारी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। चयनित पटवारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ग्राम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। हमारी बस यही मांग है, मामा जी ने बोला है 31 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी जांच की, वो रिपोर्ट अगर नहीं आती है तो हमारे साथ में नियुक्ति दी जाए और जांच प्रक्रिया समानांतर चलाई जाए। अगर नहीं कुछ बोलते हैं मामा जी तो हम 3 सितंबर को महाआंदोलन करेंगे। अशोक नगर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। क्या नाम है? मोनिका उपाध्याय, ग्वालियर की मैं रहने वाली हूँ। किस तरह की मांगे हैं, क्या प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किस तरह की? सर, हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि हमें पटवारी में जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। जैसा जी मामा जी ने बोला था कि 15 अगस्त से पहले नियुक्ति देंगे, लेकिन किसी कारण से थोड़ा संदेह हुआ तो नहीं दे पाए, लेकिन 31 तक जब जांच पूरी हो जाए तो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। कब से आपको नियुक्ति नहीं दी गई है, कब से आप मांग अपनी कर रहे हैं? हमारा 30 जून को रिजल्ट आया था, हमारी 17 अगस्त को जॉइनिंग और डीबी होने वाला था, लेकिन कुछ संदेह कारण मामा जी ने रोक लगा दी थी। लेकिन मामा जी ने 31 तारीख को बोला था कि हमारी जांच आ जाएगी, अगर जांच नहीं आती तो हमें पैरेलल में नियुक्ति दी जाए। अगर बाई चांस हमें नहीं दी जाती नियुक्ति तो 3 तारीख को हमारा महाआंदोलन होगा और आज हम सभी 52 जिलों में कलेक्ट्रेट को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है? हम 8500 लोग हैं पटवारी में चयनित हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह किरार है, मेरे पटवारी में चयन सिवनी में हुआ है।